आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम देखेंगे एक फिगर में कितना ट्रायंगल है, यानी कि कितने त्रिभुज हैं एक फिगर में, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने हर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस किया है, हर टाइप ऑफ फिगर को लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए, जब इस टाइप के आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे, जब इस टाइप के आपको फिगर मिलेंगे, तो इसमें कितना ट्रायंगल है इसको कैसे आप ज्ञात करेंगे, यानी कितने त्रिभुज हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें आप सिंपल कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सिंपल इतना लिख लीजिए, जितना है जितना भी ऐसे ट्रायंगल्स हैं लिख लीजिए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1, 2, 3 + 4 + 5, ठीक है। और जब हम सबको ऐड करते हैं तो कितना होता है, 3, 3, 6, 4, 10, 15। तो टोटल जो यहाँ पे ट्रायंगल्स है, टोटल जो त्रिभुज है वो है 15, ठीक है, 15 यहाँ पे त्रिभुज है इस फिगर में। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा, ये दो स्टेज है, ये पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो इसे कैसे किया जाए, देखिए उस सेम ही प्रोसेस है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, 15, यानी कि नीचे जो है 15 त्रिभुज है, और यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे भी आप सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो इसे दोनों को ऐड कर लीजिए, 15 + 15, 15 + 15, तो जो होगा 30, तो टोटल इसमें है कितना, 30 त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए और एक लाइन दे दिया जाए यहाँ, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये कितना स्टेज है, 1 stage, 2 stage, 3 stage, ठीक है, नीचे कितना है, 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 होंगे, तो 15 × 3, 15 × 3 कर लीजिए, 45 हो जाएंगे अगर और एक लाइन दे दिया जाए, ठीक है। तो जितना स्टेज है उतना बार इंटू कर लीजिएगा, ठीक है, अगर बीच में लाइन दे दिया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अगर इस तरह का लाइन दे दिया जाए, पूरा सब लाइन को एक ही साथ, एक लाइन अगर सब ट्रायंगल्स को डिवाइड नहीं करता हो, तो किस तरह इस फिगर में किस तरह काउंट करेंगे। तो देखिए इस फिगर में काउंट करने का प्रोसेस कुछ अलग है, लेकिन इजी है, कुछ टफ नहीं है। एक बार अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक 15 था, जब 5 तक ऐड करते थे, प्लस 6 कर देंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि नीचे जो है ये 21 है, यहाँ पे कितना है 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, यानी कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, 3, 6 और 4, 10, तो यहाँ पे 10 है, तो सबको ऐड कर लीजिए, 21 नीचे है, इसके यहाँ पे जो है वो है 10, 10, और यहाँ पे जो है ये है 3, यानी कि टोटल कितना हुआ, 34, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल 34 ट्रायंगल से ये आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं एसएससी और रेलवे का, उनको थोड़ा मदद पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ ऐसा है फिगर, ये भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, बस आपको एक चीज करना है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 4 × n + 1 करना है, ठीक है। n क्या होगा, n जो अंदर में एक ट्रायंगल है वो है n, अंदर में कितना ट्रायंगल है, 1, तो यहाँ पे सिंपल आप कर लीजिए 4 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 + 1 = 5, काउंट भी कर सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और बड़ा वाला 5, ठीक है, तो 4 × 1 + 1, ठीक है, 4n + 1, इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आराम से हो जाएगा। यहाँ भी वही फॉर्मूला, यहाँ पे अंदर में कितने ट्रायंगल्स हैं, अंदर में 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो 4n + 1 हमें फॉर्मूला लगाना है, अंदर में 2 है + 1, ठीक है, अंदर में 2 त्रिभुज हैं, आपको आराम से दिख सकता है 1 और ये 2, ठीक है, तो 4 × 2 = 8 और + 1 = 9, 4 × 2 = 8 और + 1 करेंगे तो 9 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 त्रिभुज हैं, ठीक है। इस तरह आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन बेकार काउंट क्यों करेंगे, जब फॉर्मूला है फॉर्मूला लगाइए, आराम से निकाल लीजिए, अगर एग्जाम में आप काउंट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं किस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह के फिगर दे दिया जाए तो क्या करना है, देखिए इस तरह जब फिगर दे दिया जाए तो आपको फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, 4n + 7 हो जाएगा, ठीक है, पहले फॉर्मूला क्या था, 4n + 1 था, अब 4n + 7 क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स कुछ बढ़ रहे हैं, 1, 2, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, यहाँ पे कितना त्रिभुज हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा 6 हो जा रहे हैं, तो 4n + 1 और प्लस हम 6 कर देते हैं, तो जो हो जाता है 4n + 7 हो जाता है, ठीक है। जब भी ऐसे डिवाइड करता हुआ आपको मिलेगा, ऐसा लाइन कोई डिवाइड कर रहा है साइड में, ट्रायंगल्स ऐसे हैं, अगर लाइन कोई इस तरह का डिवाइड कर रहा है, यहाँ से लाइन निकल के डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल्स को, तो इमीडिएटली आप 6 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है,
तो देख लेते हैं अंदर में कितना ट्रायंगल्स हैं, दो हैं, तो 4 × 2 = 8 + 7, तो टोटल यहाँ पे कितना ट्रायंगल्स है, 15। और जब अगर एक रहता तो क्या करते, जब ऐसा अंदर में तो दो है एक रहता तो क्या करते, ये भी आसान है, 4 × 1 + 7, 4 × 1 + 7, 4n + 7, तो क्या होता है ये 4 2 = 8 + 4 1 जब 4 और + 7 = 11, तो 11 ट्रायंगल्स होते, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इस तरह कर सकते हैं। देखिए आप इस फिगर में क्या करेंगे, देखिए जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसे लाइन डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसमें 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 6 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे दो बार ऐसा हो रहा है, देखिए बड़े वाला ट्रायंगल में भी वही हो रहा है, उसके बाद जो इनर वाला जो पहला बड़ा ट्रायंगल है उसमें भी सेम हो रहा है, यानी कि आप क्या करेंगे, आप 12 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 4n + 1 + 12, क्योंकि दो बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, यानी कि 4n + 13 आप करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं अंदर में कितना ट्रायंगल्स है, दो है, 4 × 2 = 8 + 13, ठीक है, 4 8 + 13 आपको करना है = 21, तो 21 ट्रायंगल्स इसमें है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कोई कठिन नहीं है, आपको बस गिनना है और काउंट कर लेना है, आराम से हो जाएगा। जब ऐसे डिवाइड कर रहे होंगे ट्रायंगल्स तो आपको बस उसमें 6 ऐड करना है, फिर अंदर में अगर डिवाइड कर रहे और 6 ऐड करना है, इस तरह ही करना है, बहुत आसान है, ठीक है। एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, 4n + 1, ठीक है, इनर ट्रायंगल है एन, अंदर में जितना भी ट्रायंगल्स के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उस तरह एन का वैल्यू आप कर सकते हैं, एक है तो एक, दो है तो दो, और जब लाइन डिवाइड करेगा तो +6 करेंगे, ठीक है, फिर अंदर में और एक बार करेगा तो +6, इस तरह जितना भी करते जाएंगे +6 आप करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो कुछ ऐसा है, इसमें कितने सारे ट्रायंगल्स हैं, ये भी बहुत आसान है बिल्कुल, किस तरह कर सकते हैं इन्हें देख लेते हैं, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं वो आपको जानना है, तो 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 × 2, 4 × 2 = 8, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा उसके साथ इंटू 2 कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 कितना होगा, 12, आराम से आप कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बहुत आसान है ये सब, बस एक बार आपको इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देख लेना है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 × 2 = 16, यहाँ पे 16 त्रिभुज है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे एग्जाम में आपको काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 बच्चों जैसे काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में काउंट कीजिएगा, सबसे बड़ा जो नंबर आएगा उसके साथ इंटू 2 कर दीजिएगा, बस आंसर निकल जाएगा, ठीक है, उतना काउंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपको बचाना है, लिखना उतना नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरह करना है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 × 2, यहाँ पे बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 × 2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 8, तो 8 + 8 कितना हो रहा है, 16। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर कोई भी लाइन कॉमन है, दो भी ऐसे स्क्वायर दिया है, दो अगर स्क्वायर के अंदर से ट्रायंगल काउंट करने दिया है, कोई भी लाइन अगर कॉमन है, जैसे देखिए ये लाइन कॉमन है, तो इसका ये लाइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो भी लाइन कॉमन है उसका वैल्यू हम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, ये हो जाएगा 18, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, अगर दो ट्रायंगल ऐसे दो स्क्वायर को अगर जोड़ दिया जाए, दो स्क्वायर को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, तो अगर कोई भी लाइन कॉमन होता है उनके बीच, तो उसका वैल्यू हम लेते हैं 2, ठीक है, तो आपको यहाँ पे +2 कर देना है, जो हो जाएगा 18, ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए आप इसे देखते हैं, इसे किस तरह करना है, देखिए इसे भी करने का बहुत आसान है, वही सेम प्रोसेस में ही करना है, इसमें कितना है, 1 2 3 4, सब में 4 4 है इस तरह, ठीक है, और एक में कितना निकलेगा, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 2 = 8, तो एक स्क्वायर है जो इसमें ऐसा डिवाइड किया गया है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8, ठीक है, 8 ट्रायंगल्स हैं, और 4 है, यानी कि 8 × 4 कर देंगे, 32 है ट्रायंगल्स, ये तो श्योर है, इसके साथ साथ जो लाइन कॉमन है उनका वैल्यू 2 हो जाएगा, जैसे ये लाइन कॉमन है, एक ए लाइन कॉमन है और एक ए लाइन कॉमन है, ठीक है, तो यानी कितना कॉमन है, 2 + 2 + 2, यानी कि 6, तो टोटल कितना यहाँ पे है त्रिभुज, कितना ट्रायंगल है, 38, ठीक है, बहुत आसान है, जो कॉमन है, जो भी लाइन कॉमन है, जो भी कॉमन लाइन है उनका वैल्यू आप 2 ले लीजिएगा बस, बाकी सब तो वही सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ये सब आराम से हो जाएगा, कोई भी फिगर दिया जाए आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ये आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे कितना सारा स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है, और कितना कॉमन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर से कितना निकलेगा, 8 ट्रायंगल्स निकलेगा, 4 स्क्वायर है तो 4 कर दीजिएगा, 32, और कितना कॉमन है, 4 लाइन कॉमन है, तो 4 × 2 = 8, ठीक है, तो 40 तो यहाँ पे हो गया,
लेकिन इस फिगर में और भी ट्रायंगल्स छुपे हुए हैं। देखिए किस तरह, जब आप इस पॉइंट से देखेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर जब इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे एक देखेंगे इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, यानी कि +4, यहाँ पे कितना है 44, ठीक है। तो फिगर को आपको देखना है, करना है, बहुत आसान है, कुछ उससे कठिन नहीं है, सेम ही रूल अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा देख लेना है, कॉमन है। और जब इस तरह के फिगर जोड़ दिया जाए, फोर एक बड़ा स्क्वायर बना दिया जाए, चार छोटे स्क्वायर को मिला के, और इसमें ऐसे क्रॉस हो उसके अंदर, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा है। तो चलिए आप कुछ इस तरह के ट्रायंगल्स देख लेते हैं। देखिए इसमें एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके अंदर तीन ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाए, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, इसे किस तरह देखा जाए। देखिए इसको अगर जनरली आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसका प्रोसेस है जो कि 20 से 30 सेकंड ले सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने एक टेबल बना दिया है। जनरली एन का वैल्यू क्या होगा वो हमें बता देंगे, ठीक है, हम आपको बता देंगे एन का वैल्यू क्या होगा। एन का वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से उतना ट्रायंगल्स होगा, वो आपको पता कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आपको एन का वैल्यू कैसे पता करना है, इस साइड से देखिए कितना ट्रायंगल्स है, 1 2, ठीक है। इस साइड से भी देखिएगा, इस साइड से अगर देखते हैं तो 1 2, इस साइड से भी देखेंगे तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2 है एन का वैल्यू जब, तो ट्रायंगल कितने होंगे, 5 होंगे। काउंट कर सकते हैं आप बिल्कुल, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, ठीक है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। लेकिन ये तो इजी था, इसको आप आराम से काउंट कर सकते हैं। अब जब तीन ट्रायंगल दे दिया जाए, मान लीजिए ये तीन ट्रायंगल दे दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको गिनना है सिंपली, ठीक है। इतना आप काउंट नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, और जो प्रोसेस है इसको काउंट करने का वो बहुत लेंदी है, ठीक है। 1 फिर +2 +3 ऐसा एक प्रोसेस है, जो जानते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा ये क्या प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर इसमें ऐड करना है, स्किप करना है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको आपको खुद बताना नहीं चाहते, आपको सिंपली ये टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रायंगल्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 1 2 3, यहाँ से भी काउंट कर रहे तो 3, यहाँ से भी काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और 3 n का वैल्यू है तो कितना ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, कितने त्रिभुज बन रहे हैं 13, ठीक है। जब n का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं 13। इसी तरह इस बड़े फिगर में भी काउंट कर सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो रहा है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, n का वैल्यू जब 5 होगा तो कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे 48, ठीक है। जनरली एग्जाम में 5 तक ही आते हैं, 5 6 तक ज्यादा पूछा जा सकता है, 7 8 इतना अभी तक आया नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आएगा तो आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू है 5, यानी कि कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं 48, ठीक है। बहुत आसान है, अब आप आराम से कर सकते हैं। इस टेबल को आपको याद कर लेना है, बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा मदद पहुंच सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।